नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबर विस्तार से। जैन समाज के संयोजक एवं श्री श्वेतांबर जैन समाज के आयोजन में सन 2018 प्रतिष्ठित नव मंदिर की एक वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर सकल जैन समाज के संरक्षक धनजी भाई, काकाजी अध्यक्ष डॉक्टर विमल चंद्र ओसवाल एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने साधु श्रमण संघ के साथ करीब 85 साधु साधवी भगवान इस नगर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में करीब 7 दिवस यहाँ रहेंगे। तारीख 20, 21, 22 तीन दिन का विशेष महोत्सव रहेगा। तीन दिन पूजाओं के साथ, विभिन्न पूजाओं के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम धनजी भाई लीलाधर भाई परिवार की तरफ से ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा और सभी सकल जैन समाज का आज महाराज साहब के प्रवेश के समय ठीक समय 7 बजे से पूरे सानंद के साथ सकल जैन समाज के साथ यहाँ महावीर विहार में पदार्पण हुआ और 3-4 दिन यहाँ धर्म देशना चलेगी। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक धर्म देशना के पश्चात गांधी चौक स्थित ओसवाल जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर गांधी चौक में ठीक 7 बजे यहाँ से 20 तारीख को सुबह यहाँ से 7 बजे प्रस्थान कर ओसवाल जैन धर्म जैन मंदिर गांधी चौक में महाराज साहब का प्रवेश होगा। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसान अभी भी काफी परेशान दिखाई दे रहा है। आए दिन उसके सामने नई नई परेशानियां आ रही हैं और वह कई दिनों तक अपनी उपज की तुलाई के लिए खरीदी केंद्रों के बाहर दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। प्रदेश में सरकार परिवर्तन हो गई है लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार बदली पर व्यवस्था नहीं बदली। खरीदी केंद्रों पर कहीं बारदाने की कमी है तो कहीं सर्वेयर समय पर नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण से किसान 2 से 3 दिन तक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उपज तुलाई के लिए इंतजार में खड़े हैं, जिस कारण से सरकार के प्रति किसानों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इन समस्याओं को देखने खरीदी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। रहने वाले हैं किसान है जो 15-15 ट्राली की कुल नीलामी कर रहे हैं, यहाँ पर आते ही नहीं है और 15-16 भी नहीं बढ़ाते। और आज सवेरे से 2 बजे तक 16 ट्राली तोली बस। लहार थाना क्षेत्र में देर रात नगर के शिवहरे मरीज हाउस से रामू पुत्र बालकिशन निवासी कार्यपुरा अपने साथ गंगा सिंह एवं उनकी पत्नी को लेकर रात के 12 बजे कार्यपुरा जा रहे थे। तभी सुंदरपुरा के पास दो लोगों ने बाइक रोककर लूटपाट शुरू कर दी। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने रामू को कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र मारकुंडी बाजार से गुरुवार की दोपहर चाय नाश्ते की दुकान में अचानक पकौड़ी छानते समय मड़ई में आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अचानक हवा बहने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने बाल्टी से आग बुझाने का प्रयास किया किंतु आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब जाकर गुरमा चौकी पुलिस द्वारा चौपन से फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को काबू पाया जा सका। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।